नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जहां आज बजट पेश होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए तो कानून अपना काम करती है और न्याय सबको मिलता है। जैसा किए हैं माननीय लालू यादव जी को भी वैसा भरना होगा। केंद्र सरकार आज वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP या आर्थिक विकास दर के आंकड़े जारी करेगी। आज 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 के अक्टूबर दिसंबर 2022 तिमाही के लिए GDP आंकड़े सामने आ जाएंगे, जिससे यह पता लग जाएगा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं। केंद्र सरकार के आगे के फोकस के बारे में पता चलेगा कि सरकार किस तरह की योजना पर काम करने के बारे में सोच रही है, जिससे GDP ग्रोथ अच्छी बनी रहे। बिहार में बीते दिनों होमगार्ड DG शोभा अहोतकर और IG विकास वैभव के बीच हुए विवाद ने काफी तूल पकड़ा था। इस विवाद के बाद विकास वैभव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। आखिरकार अब राज्य सरकार ने विकास वैभव पर बड़ा फैसला लिया है। IPS अधिकारी विकास वैभव ने DG शोभा अहोतकर से जान का खतरा बताते हुए हटाने की मांग की थी। इसके बाद गृह विभाग ने उन्हें होमगार्ड IG के पद से हटा दिया है। वही DG से परेशान DIG विनोद कुमार को भी उनके मौजूदा पद से हटा दिया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपित नंबर एक हैं, पर किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं। सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में अलग अलग विभागों में दिल्ली से लेकर पंजाब तक लूट हुई है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा सेना पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। मंत्री सुरेंद्र यादव को कैबिनेट से बर्खास्त करने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल BJP के विधायक वेल में पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार साउथ इंडिया के कारोबारियों को दस्तावेज मुहैया कराने में मनीष सिसोदिया की भूमिका थी। यह दस्तावेज साल 2021 में सौंपे गए थे, जिनकी कॉपी करने के लिए दिल्ली के एक होटल में बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया गया था। वो दस्तावेज काफी अहम थे। ये जानकारी के मुताबिक 14 से 17 मार्च 2021 तक का एक साउथ इंडियन ग्रुप दिल्ली, जहां उन्होंने विजय नायर से मुलाकात की थी और दस्तावेजों को प्रिंट और फोटोकॉपी करने के लिए होटल के बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया था। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 60वां निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह महाप्रयाण घाट स्थित उनके समाधि के निकट आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीन श्रद्धांजलि दी। समाधि की परिक्रमा कर उन्हें नमन भी किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर CIA चीफ बिल बर्न्स का बड़ा बयान सामने आया है। बिल बर्न्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट किया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और चीन का जिक्र किया था। मीडिया के एक इंटरव्यू में जब उनसे पिछले साल तुर्की में रूसी विदेशी खुफिया प्रमुख सर्गेई नरिस्किन के साथ मुलाकात के बारे में पूछा गया, तो बर्न्स ने कहा है कि बातचीत निराशाजनक थी। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य सिर्फ बातचीत करना नहीं था। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सबसे बड़े घटक दल राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा है कि वे भाजपा RSS से नहीं बल्कि बिहार की 14 करोड़ जनता से गाइड हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा और उनकी हिमायत करने के लिए ही विधानसभा आया हूं। मेरी प्राथमिक ड्यूटी है कि उनकी बातों को रखें। अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी बाजारों से मिल रहे मिले जुले संकेतों के बीच लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद आज भारतीय घरेलू शेयर बाजार में काफी तेजी देखी गई है। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव नोट पर खुले हैं। आज सेंसेक्स में 128 और निफ्टी में 28 अंकों की तेज के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। आतंकरोधी अमेरिकी ब्यूरो ने अपनी कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया रिपोर्ट में कहा है कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठनों की पहचान करने एवं उनकी गतिविधियां रोकने में भारत ने ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए हैं, जबकि पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस देश को बहुत कम सफलता हाथ लगी है। विदेशी आक्रांताओं के नाम वाले शहरों, गलियों और सड़कों का नाम बदलने को लेकर दायर याचिका अश्विनी उपाध्याय की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि सरकार रिनेमिंग कमीशन बनाए, जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाले जगहों को असली नाम का पता लगाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में चल रहे कुछ अहम मुद्दों पर जानकारी देते हुए बताया है कि टेलीकॉम सेक्टर को GSM ने ग्लोबल अवार्ड से नवाजा है और यह सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए न केवल 5G के नेटवर्क के बारे में कहा, बल्कि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत ही अन्य देशों की तरह 6G तकनीक के मामले में आगे रहना चाहता है और भारत को 6G सर्विस के लिए 100 पेटेंट मिल चुके हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आलोचना की और आरोप लगाया कि अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के प्रयास के तहत सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कर रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित फिंगरप्रिंट सत्यापन और धोखाधड़ी के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए एक नई सुरक्षा प्रणाली शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा सिस्टम फिंगरप्रिंट के सत्यापन के लिए अब उंगली का बारीक ब्यौरा और उंगली की तस्वीर के मेल का उपयोग करेगा। UIDAI ने एक बयान में मजबूत फिंगरप्रिंट आधारित आधार सत्यापन के लिए नए सुरक्षा तंत्र की घोषणा करते हुए कहा है कि इससे आधार सत्यापन अधिक मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्हें सोमवार को आपके अन्य नेताओं के साथ नजरबंदी से रिहा किया गया था, उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने कहा है कि मुझे 2 घंटे के लिए CBI और ED दे दीजिए। मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत बड़े स्तर पर एक आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे। मोदी ने आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार के श्रृंखला में क्षमताओं का दोहन, प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से जीवन सुगमता विषय पर कहा है कि सरकार छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम करना चाहती है। 28 फरवरी का दिन इतिहास में रमन इफेक्ट की खोज के नाम दर्ज हुआ। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। यह साल और भी खास है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद यह साल अब ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग के तौर पर मनाया जा रहा है। रमन इफेक्ट की खोज करने वाले डॉक्टर CV रमन को 1930 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एडवांस वोटिंग मशीन तैयार की। छात्रों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक नई सुरक्षित वोटिंग मशीन बनाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस मशीन में आधार कार्ड को जोड़ने की सुविधा है। नतीजतन यह समझना आसान होगा कि क्या सही लोग मतदान करने आए हैं या नहीं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने बाबा रामदेव के पतंजलि अनुसंधान संस्थान को करीब 2 महीने पहले 4.32 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सौंपा था। हालांकि जिस वक्त प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था, उस वक्त यही नहीं किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के इंटेलेक्चुअल राइट्स पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा या पतंजलि का। पिछले 2 महीने से इस मसले पर जल शक्ति मंत्रालय से मंथन चल रहा था और कई स्तर पर बातचीत के बाद यह तय किया गया कि इस पूरे प्रोजेक्ट के इंटेलेक्चुअल राइट्स पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट से BJP को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास सार्वजनिक न करने पर अब माना का दोषी ठहराते हुए 1 लाख रुपए जुर्माने का फैसला वापस ले लिया है। BJP महासचिव BL संतोष की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने माना है कि पार्टी ने जानबूझकर उसके आदेश की अवज्ञा नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5 मार्च 2022 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर को स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने राज्य चिकित्सा निकायों से पहले से परामर्श किए बिना पात्रता मानदंड में 2 बार संशोधन किया था, जिसके कारण उम्मीदवारों को अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए बाद तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। अपने घर में काम करने वाली एक महिला के साथ हो रहे भेदभाव और जाति सूचक संबोधन की घटना ने 6 साल की एक बच्ची के मन पर ऐसा असर डाला कि वह इस अन्याय के खिलाफ अपने दादा तक से भिड़ गई। यह बात उनके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने के जज्बे की नींव पड़ गई। यह कहानी भारत की बेटी क्षमा सावंत की है, जिनकी पहल से अमेरिका का सिएटल शहर जाति और नस्ल आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला शहर बन गया है। आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन का दौर जारी है। अब सोमवार को जम्मू कश्मीर की पूंछ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मनीष सिसोदिया को रिहा करने की मांग भी की। महिला T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप के बाद अब प्लेयर्स महिला प्रीमियर लीग में तहलका मचाने की तैयारी कर रही है। 4 मार्च से शुरू होने वाले इस लीग का आयोजन पहली बार हो रहा है। वर्ल्ड कप स्टार्स भी लीग में नजर आने वाली है, जिन पर ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा था। स्मृति मांधना, एस्ले गार्डनर, नेट सीबर बंट, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स नीलामी में काफी महंगी खिलाड़ी साबित हुई। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक होगा। महोत्सव में योग की बारीकियों के गुण सिखाए जाएंगे, साथ ही मन की शांति और स्वस्थ शरीर के लिए लोगों को एक बेहतर अनुभव भी मिलेगा। यहाँ आने वाले योग साधक नृत्य संगीत के साथ योग के विभिन्न आयामों पर भी विचार विमर्श करेंगे।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि प्रतिमा का लोकार्पण सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन यानी 24 अप्रैल 2023 को किया जा सकता है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को भारतीय नौसेना वेस्टर्न कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में INS सिकार पर सेरेमोनियल परेड फॉर चेंज ऑफ कमांड ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड को पूरा किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम से मुंबई के अलग अलग संगठनों से बंटने वाले पुरस्कारों पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में प्रचारित करने के विरोध में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मॉडल व अभिनेत्री निकिता घाग अपना पुरस्कार वापस करने का ऐलान कर चुकी है। इस पर सुनील पाल ने कहा है कि निकिता घाग ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। कूटनीतिक कार्यवाही का मजाक उड़ाते हुए यौन शोषण के आरोपी और भगोड़े द्वारा स्थापित काल्पनिक देश के एक प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लिया। यहाँ उसने दावा किया कि नित्यानंद को सताया जा रहा है और हिंदू धर्म के सर्वोच्च पुजारी के लिए सुरक्षा गार्ड की मांग की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काल्पनिक देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश है, जिसकी स्थापना स्वयंभू भगवान नित्यानंद ने की थी, जो भारत में अधिकारियों से भाग रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है नरगेश, बिट्टू कुमार राज, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, महमूद अंसारी, रविशंकर, MD नौसाद, रजा, MD साकिर हुसैन और अर्जुन राम। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।